वफादार काला चीता और सफेद शेर का जन्म रहस्य। काला चीता सिम्बा नाम के एक सफेद शेर के बच्चे की देखभाल कर रहा था। वो दोनों जंगल में ना किसी से मिलते थे और ना ही किसी से बात करते थे। सिम्बा का बड़ा मन करता था कि वो बाकी जानवरों से मिले, उनसे बात करे, उनके साथ खेले, पर बघेरा हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर सिम्बा का मन बहला देता था। वहीं दूसरी ओर पास के जंगल में रुद्र नाम के काले शेर ने आतंक मचा के रखा था। रुद्र बड़ा ही जालिम और निर्दयी था। उसने अपने ही भाई की पत्नी को कैद करके उस पर जुल्म कर रहा था। ये देख सारे जानवर उदास थे। एक दिन पिंजरे में कैद शेरनी पानी के लिए तरस रही थी। ये देख लोमड़ी रुद्र से कहती है, शेरनी को प्यास लगी है, कृपा करके उनको थोड़ा पानी दे दो। ये सुनकर रुद्र को बड़ा गुस्सा आता है और वो जोर से दहाड़ मारते हुए कहता है, अरे ओ लोमड़ी, तुझे इस पर बड़ा तरस आ रहा है। वैसे तुझे मालूम नहीं कि ये मेरी गुलाम है और मैं इस जंगल का राजा। लोमड़ी रुद्र के गुस्से को देखकर डर जाती है। क्षमा करे महाराज, मुझसे गलती हो गई। अगर मैंने तुझे माफ कर दिया तो बाकी जानवरों के दिलों में मेरे प्रति कोई डर नहीं होगा। ये कहकर रुद्र लोमड़ी पर हमला करता है और उसे मार डालता है। जिसे देख वही खड़ी हाथी और शेरनी उदास हो जाती है। अरे ओ रुद्र, तुम ये जो जुल्म कर रहे हो इन मासूम जानवरों पर, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। अरे बाप रे, मैं तो डर गया। अरे ओ शेरनी, तूने क्या सोचा कि मैं तेरी ये बकवास बातें सुनकर डर जाऊंगा? नहीं, मैं चाहूं तो अभी के अभी तुझे मार सकता हूं, पर नहीं, मैं तुम्हें तड़प तड़प कर मारूंगा। ये कहकर रुद्र वहां से चला जाता है। शेरनी, अब और कब तक हम ये सब बर्दाश्त करेंगे? हाथी, सब्र करो, वो जरूर आएगा और हम सबकी रक्षा करेगा। पर शेरनी, इतने साल बीत गए, उसका कुछ पता नहीं, क्या पता वो जिंदा भी है कि नहीं। नहीं, मुझे उस पर पूरा विश्वास है, वो उसे लेकर जरूर आएगा। ये कहकर शेरनी एकदम से चुप हो जाती है। हाथी आंखों में आंसू लिए हुए वहां से चली जाती है। रुद्र का जुल्म दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वो बेवजह जानवरों का शिकार करने लगा। एक दिन रुद्र एक गर्भवती हिरण का पीछा कर रहा था। हिरण मदद के लिए चिल्लाते हुए भाग रही थी। कोई है, मेरी मदद करो प्लीज, कोई है, मेरी मदद करो। अरे ओ हिरण, कहाँ तक भागेगी? तुझे आज मुझसे कोई नहीं बचा सकता। हिरण जैसे तैसे बचकर भाग जाती है। शिकार हाथ से छूट जाने की वजह से रुद्र गुस्से से आग बबूला हो जाता है। इस हिरण की किस्मत अच्छी है कि वो भाग गई। चलो कोई बात नहीं, एक ना एक दिन वो मेरे हाथ जरूर लगेगी। ये रुद्र सोच रहा था कि वही दूसरी ओर हिरण भागते हुए पास के जंगल चली जाती है। हिरण बहुत घायल हो चुकी थी, उसे प्रसव पीड़ा शुरू होती है और वो एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। हिरण अपने बच्चे को देखकर रो रही थी कि तभी उधर से गुजर रहे सिम्बा और बघेरा की नजर उस पर पड़ती है। वो हिरण के पास आते हैं। अरे ओ हिरण, तुम्हारा बच्चा कितना प्यारा है। हिरण बघेरा को देखकर, बघेरा, अरे क्या तुम मेरे पिताजी को जानती हो? बघेरा, ये सच है या सपना? क्या ये वही सिम्बा है? हिरण, तुम यहाँ कैसे? शेरनी कैसी है? हिरण बघेरा को सारी बात बताती है। बघेरा, शेरनी को सिम्बा की जरूरत है, सिम्बा ही उस दुष्ट का अंत करेगा। ये कहते हुए हिरण अपनी आखिरी सांस छोड़ देती है। हिरण का बच्चा रो रहा था। ये देख बघेरा और सिम्बा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब उस दुष्ट का अंत आ गया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे ये सब क्या हो रहा है? पिताजी, ये हिरण किस शेरनी की बात कर रही थी? सिम्बा, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, अभी तुम मेरे साथ चलो। ये कहकर बघेरा सिम्बा और हिरण के बच्चे को लेकर शेरनी के जंगल आता है। जंगल के सारे जानवर बघेरा को देखकर खुश हो जाते हैं। बघेरा, तुम आ गए, शेरनी को पूरा यकीन था कि तुम जरूर आओगे। हाथी सिम्बा की ओर देखते हुए कहती है, क्या ये वही है? हाँ, यही है इस जंगल का होने वाला राजा।
जल्दी चलो, इसे शेरनी के पास ले चलते हैं। शेरनी इसे देखकर बहुत खुश हो जाएगी। वो सब मिलकर शेरनी के पास जाते हैं। बगेरा शेरनी को पिंजरे से देख गुस्से से आग बबूला हो जाता है। शेरनी, अब तुम्हारे दुखों का अंत आ गया, तुम्हारा बेटा सिम्बा वापस आ गया है। पर शेरनी बगेरा और सिम्बा को देखकर बहुत खुश हो जाती है। बगेरा शेरनी को पिंजरे से निकालने ही वाला था कि रुद्र वहां आ जाता है। अरे ओ शेरनी के वफादार बगेरा, तू अभी तक जिंदा है? मैंने तो सोचा था कि तू शेर के साथ साथ खाई में गिरकर मर गया होगा। वैसे ये कौन है? ये तुम्हारी मौत है, तुम्हारे भाई और हमारे महाराज का बेटा सिम्बा। क्या मेरी मौत? बेटा सिम्बा, ये जो पिंजरे में कैद है वो तुम्हारी माँ है। यह दुष्ट वीरू तुम्हारा चाचा, इसने धोखे से तुम्हारे पिताजी को मार डाला। तब तुम बहुत छोटे थे। ये बात शेरनी को पता चली तो उसने तुम्हें मुझे सौंप दिया। तुम्हारी जान बचाना मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से ले गया। अरे बंद करो अपनी बकवास, यह पिल्ला तब बच गया तो क्या हुआ, अब मैं इसे मार डालूंगा। सिपाहियों, हमला करो इन पर और मार डालो इन्हें। रुद्र के सिपाही सिम्बा और बगेरा पर हमला करते हैं। रुद्र शेरनी पर हमला करने ही वाला था कि बगेरा आगे आता है और रुद्र के हमले का शिकार हो जाता है। बगेरा, बेटा सिम्बा। सिम्बा बगेरा के सारे सिपाहियों को पलक झपकते ही मार डालता है और रुद्र पर हमला करता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है। सिम्बा रुद्र को मार डालता है। ये देख सारे जानवर बहुत खुश हो जाते हैं। सिम्बा जंगल का राजा बनकर एक अच्छा राजा होने का कर्तव्य निभाने लगता है। तीन जादुई सीढ़ियां और तीन शेर की कहानी। एक बार की बात है, जंगल का राजा शेर और शेरनी जंगल में घूम रहे थे कि तभी उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। अरे ये तो किसी बच्चे के रोने की आवाज़ लग रही है, लगता है कोई बच्चा मुसीबत में है। शेरनी तुम यही रुको, मैं आगे जाकर देखता हूँ। ये कहकर शेर आगे जाता है कि तभी उसे झाड़ियों में एक सफेद शेर का बच्चा फंसा हुआ नजर आता है। बच्चा शेर को देखकर और भी घबरा जाता है। बेटा घबराओ नहीं, मैं तुम्हें अभी यहाँ से निकालता हूँ। ये कहकर शेर उस बच्चे को झाड़ी से बाहर निकालता है। अरे बेटा कौन हो तुम? तुम्हारे माता पिता कहाँ है? तुम तो इस जंगल के नहीं हो, फिर यहाँ इस झाड़ी में कैसे फंस गए तुम? मेरा नाम सिम्बा है, मैं पास के जंगल में रहता हूँ। हमारे जंगल में शिकारी आए थे, वो मेरे माता पिता को ले गए, वो मुझे भी पकड़ने वाले थे। मैं तो डर के मारे यहाँ भाग निकला और इन झाड़ियों में आकर फंस गया। मैं अनाथ हो गया, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। यूं वो बच्चा रो रहा था। बेटा रो मत, आज से तुम अनाथ नहीं हो, हम तुम्हारे माता पिता है। हाँ सही कहा आपने सिम्बा, हम तुम्हें कभी कोई कमी महसूस नहीं होने देंगे। शेरनी गर्भवती थी। शेर और शेरनी सिम्बा को अपने साथ ले जाते हैं, उसकी देखभाल करने लगते हैं। कुछ दिन बाद शेरनी दो प्यारे से बच्चों को जन्म देती है। शेरू ने रुद्र और वीरू कहकर बुलाता है। वक्त के साथ साथ बच्चे बड़े हो गए। रुद्र और वीरू सिम्बा के साथ सौतेला बर्ताव करने लगे। वो बात बात पर ताने मारते थे। एक दिन रुद्र और वीरू लोमड़ी के बच्चे को तंग कर रहे थे। ये देख सिम्बा कहता है, तुम दोनों की उस मासूम बच्चे को तंग कर रहे हो, वो बहुत डर गया है, उसे छोड़ दो। अरे ओ नाथ, तेरी यह मजाल कि तू हमें नसीहत दे रहा है? तू जानता भी है कि हम इस जंगल के राजा शेर के बेटे हैं, हम जो चाहे वो करेंगे। अरे रुद्र, यह अनाथ पिताजी और इन जानवरों के सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहा है, नौटंकी कहेगा। यूं वो बोल ही रहे थे कि तभी वहाँ बाज आता है और वो कहता है, अरे तुम तीनों यहाँ हो, जल्दी से चलो, महाराज की तबीयत खराब हो गई है, शेरनी ने तुम्हें जल्द से जल्द बुलाया है। ये सुनकर तीनों शेरनी के पास जाते हैं। शेर की तबीयत बहुत खराब थी, भालू वैद्य शेर का इलाज कर रहा था।
भालू अपनी सारी कोशिश कर लेता है, फिर भी शेर की हालत में कोई सुधार नहीं आता। अरे भालू, महाराज को क्या हो गया है? इनकी तबीयत तो और भी बिगड़ती जा रही है। हाँ शेरनी, मैंने अपनी तरफ से सारी कोशिश कर ली पर कोई फायदा नहीं रहा। अब इन्हें बचाने का बस एक ही रास्ता है, जादुई सीढ़ी पर लगा आम, जिसे पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, इसमें जान भी जा सकती है। भालू, तुम उसकी चिंता ना करो, मेरे दोनों बेटे वीरू और रुद्र अपने पिता की जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बस तुम जल्दी से वो रास्ता बता दो। जंगल की पूर्वी दिशा में एक काली पहाड़ी है, उस पहाड़ी के पीछे तीन जादुई सीढ़ियां है, उन तीनों सीढ़ियों में से एक सीढ़ी पर वो जादुई आम मिलेगा। अगर वो आम लाकर महाराज को खिला दिया जाए तो उनकी जान बच सकती है, पर हाँ, वहाँ जाना मतलब मौत के मुंह में जाने के बराबर है। शेरनी रुद्र और वीरू की ओर देखते हुए कहती है, बच्चों जाओ जल्दी से जाकर वो आम लेकर आओ। माँ, लगता है तुम पागल हो गए हो, सुना नहीं भालू ने क्या कहा? वहाँ जाना मतलब मौत के मुंह में जाने के बराबर है। मुझे इतनी जल्दी मरने का कोई शौक नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ रुद्र सही कह रहा है, वैसे पिताजी की उम्र हो गई है, अब वो जीकर भी क्या करेंगे, उनके लिए हम अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकते। ये सुनकर शेरनी एकदम से चौंक जाती है। तब सिम्बा कहता है, माँ तुम चिंता ना करो, मैं जाऊंगा वहाँ। हाँ ये सही है, वैसे भी तुम अनाथ हो, तुम जियो या मरो इससे किसी को क्या ही फर्क पड़ता है। सिम्बा बिना कुछ कहे वहाँ से निकल ही रहा था कि भालू कहता है, सिम्बा मेरी एक बात याद रखना, सूर्यास्त से पहले तुम्हें उस सीढ़ी पर से वापस आना होगा, अगर देर हो गई तो तुम हमेशा हमेशा के लिए उस रहस्यमय दुनिया में खो जाओगे। सिम्बा वहाँ से निकलता है। काफी दूर चलने के बाद सिम्बा को वो काली पहाड़ी नजर आती है। सिम्बा भागते हुए उस पहाड़ी के पीछे जाता है जहाँ तीन जादुई सीढ़ियाँ नजर आती है। ये देख सिम्बा खुश भी होता है और साथ ही साथ परेशान भी, क्योंकि तीनों सीढ़ियाँ बिल्कुल एक जैसी थी। अरे ये तीन सीढ़ियाँ तो बिल्कुल एक जैसी है, अब मैं कौन सी सीढ़ी पर जाऊँ? यू सिम्बा सोच ही रहा था कि वहाँ एक सुनहरा बाघ प्रकट होता है और वो सिम्बा से कहता है, सिम्बा तुम्हारा इस जादुई सीढ़ी पर स्वागत है, आओ मैं तुम्हें सबसे ताकतवर और हिम्मत वाला शेर बनाऊंगा जिससे तुम सारे जंगलों पर राज कर सकोगी। सिम्बा कुछ कहने वाला था कि वहाँ एक बाघिन घायल हालत में भागती हुई मदद के लिए चिल्लाते हुए आती है, कोई है मेरी मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो। ये देख सिम्बा कहता है, अरे बाघिन क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? बेटा मेरा बच्चा बहुत बीमार है, उसने दो दिन से कुछ नहीं खाया है, बड़ी मुश्किल से भोजन हाथ लगा तो शिकारी पीछे पड़ गए, मैं जैसे तैसे बचकर यहाँ आ गई, मेरी मदद करो बेटा। बाघिन की हालत देख सिम्बा को अपना बचपन याद आता है। तब वो अपने मन में सोचता है, जब शिकारी माँ को ले जा रहे थे तो वो भी ऐसे ही परेशान हो गई थी, तब माँ की मदद करने वाला भी कोई नहीं था, लेकिन अब मैं इस बाघिन की मदद करूंगा, इसे इसके बच्चे के पास पहुंचा दूंगा। ये सोचकर सिम्बा बाघिन के करीब जा ही रहा था कि बाघ कहता है, सिम्बा रुको, तुम अपना वक्त बर्बाद कर रही हो। सिम्बा बाघ की एक नहीं सुनता है और वो बाघिन की ओर बढ़ता है कि अचानक से बाघिन गायब हो जाती है और साथ ही साथ दो जादुई सीढ़ियां भी गायब हो जाती है। ये देख सिम्बा चौंक जाता है। तब सुनहरा बाघ कहता है, सिम्बा तुम्हारे मन में बिल्कुल भी लालच नहीं है, तुम्हारे पिता मुसीबत में है फिर भी तुम बाघिन की मदद करने के लिए तैयार हो गए, तुम मेरी परीक्षा में खरे उतरे, ये लो सुनहरा आम, इससे तुम्हारे पिताजी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, इतना ही नहीं रुद्र और वीरू भी तुम्हें बड़े भाई का प्यार देंगे, तुम तीनों सगे भाइयों की तरह मिलजुल कर इस जंगल पर राज करोगी। सिम्बा सुनहरे बाघ का धन्यवाद करता है और आम लेकर शेर को खिलाता है। आम खाते ही शेर एकदम से ठीक हो जाता है। वीरू और रुद्र सिम्बा से माफी मांगते हैं।
उसके साथ अच्छे से पेश आते हैं। वो तीनों सगे भाइयों की तरह खुशी खुशी जंगल पर राज करने लगते हैं।